Assalamualaikum. हम थोड़ी सी इतनी देर में जो और लोग ज्वाइन होते हैं तो हम रिवीन सी कर लेते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने बात यहाँ से शुरू की थी कि सबसे पहली चीज जो कुरान पाक को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है जो सबसे पहली है कि हमें आ, आ, हर जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो फर्स्ट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो उसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं ठीक है थीके? तो अरबी जबान के अंदर भी हर जबान की तरह जिस तरह हर जबान के अंदर आ, जो अल्फाबेट्स होते हैं अरबी के अंदर भी तकरीबन अट्ठाईस अल्फाबेट्स हैं उनमें एक थोड़ा सा उसके अंदर अख्तिलाफ अख्तिलाफ़ नहीं है उसमें सिर्फ समझना क्या होता है कि अलिफ को हमजा और अलिफ को सेपरेट किया जाता है आ, कुछ अगर उसको आप सेपरेट नहीं समझेंगे तो आ, एक उनतीस हो जाएगा वरना वरना अट्ठाईस होगा ठीक है तो आपको ये अल्फाबेट्स और अच्छी बात यह है कि तमाम अरबिक अल्फाबेट जो है हमारी उर्दू जबान में मौजूद है तो इसलिए जो उर्दू जबान के लोग हमारे हमारे लिए कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नया हो ठीक है तो एक तो बात ये हो गई है हमें ये इसको सही तरह अदा करना आना चाहिए ये आप तजवीज अगर आप लोगों की तजवीज का जो हम पाकिस्तान इंडिया में जो लोग रहते हैं हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी तजवीद सही नहीं होती है तो हम मे, मेरी गुजारिश है कि तजवीद को ठीक करें और बहुत थोड़ी सी कोशिश करके हम अगर एक एक अलग अलग अल्फाबेट पे करें तो सबसे पहले तो उनकी अदायगी हमारी बेहतर हो तो अगले स्टेप में फिर हमको ये पता होगा कि कहाँ पर रुकना है कहाँ पर ज्यादा खींचना है कहाँ पर किस तरह जोड़ना है लेकिन पहला तो अलिफ और आइन का आ, हम प्रॉब्लम होती है कि सब अलिफ क्योंकि अलिफ बोलना आसान होता है तो अलिफ और आइन एक साथ आ जाता है इसी तरीके से ता और का ये दोनों एक साथ हम लोग आसान है बोलना तो सब ता बोल हैं इसी तरीके से सा, सीन, और स्वाद ये तीनों डिफरेंट हैं तो इस पर थोड़ी सी दें कि सा, सीन और स्वाद ये तीनों को अलग तरीके से बोलना होता है उसके बाद तो जीम हा और हा और हा ये ये आ, हमारी गलत होती है कि हम हर को हा बोलते हैं क्योंकि हा बोलना आसान है और हा बोलना हलक से निकालना होता है तो ये लफ्ज़ हम गलत बोल रहे होते हैं तो देखें उसका मतलब भी बदल जाता है बिल्कुल तो हा और हा ये ये हमारा डिफरेंस है उसके बाद खा है दाल है ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है शायद आप लोगों के लिए भी जिनको जो इस मामले में सही जिनकी नहीं है तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी है कि जाल जा और वाद और वा ये चारों डिफरेंट हैं ये हमें प्रोनसीए ठीक करना है इसमें ठीक है इसी तरीके से फिर रा है, सीन है शीन है और बाकी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट देख लिए हैं जो जो मैं आपको जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि आपको ये अल्फ़ाबेट्स को सही तरह बोलना आना चाहिए उसके बाद अगला जो स्टेप है कि अल्फ़ाबेट्स के मिलने से लफ्ज बनते हैं ठीक है और वो जो लफ्ज बनते हैं वो तीन तरह के होते हैं ठीक है उनको इसम कहते हैं उनको कलेमा कहते हैं और तीन कलेमा तीन तरह के होते हैं इसम फेल और हर्फ तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की है वो ज्यादा इसम के बारे में बात की है कि किसी चीज़ जगह या सिस्ट का या काम का नाम जो है वो इसम होता है और इस सिम की हम लोगों ने फिल्टर लगाया था कि भाई हमने एक सम को बताना है तो हमने चार जब भी कोई भी एक देखना है तो हमने उसकी चार चीज़ों को हमने देखना है कि या तो वो मुजक्कर होगा या मोनस होगा वाहिद जमा या मुसन्ना होगा मारफा होगा या नकरा होगा और एराब की हालत में उसकी स्टेटस होगा कि भाई ये रफ़ा की हालत में है नसब की हालत में है या जर की हालत में क्योंकि जुमले के समझने के लिए हमें इसका बहुत जो है वो होना चाहिए उसका इधराक होना चाहिए तो इसके बारे में लास्ट सेशंस में डिस्कशन की थी जो आप लोग जो जिन लोगों ने पहले नहीं वो अटेंड किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफा सुन लें दूसरे क्योंकि मैं सोर्स आप लोगों को बताता हूँ कि जो मुख्तलिफ मौजूद हैं मुख्तलिफ लोगों ने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की भी है तो उसमें मैंने जिसको देखा था और जिससे मैंने शुरू किया था जो शौक़ पैदा हुआ था वो आमिर सोहेल साहब हैं आमिर सोहेल साहब के लेक्चर्स का सेट मौजूद है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हम लोग अपनी ज़िंदगी में सारे कामों के लिए वक्त लगाते हैं तो हम ये वो चीज़ के जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए एक मैनुअल के तौर पर है कुरान पाक तो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उसको उसमें से देख सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद जो आज का जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से आ, एक प्लीज। आ, अच्छा ये इस तखारा की दुआ है कि जो हमारे आ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये इसका इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से होता है कि जो एक्चुअली इसका यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है शायद क्योंकि इस्तारा का जो मतलब है वो ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनता है इस्तार जिसको मांगना कहते हैं और खैर खै खे, खैर जो है वो भलाई या बेहतरी तो बेसिकली हज़ूस इस्तारा की दुआ को इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान पाक की आ, की देते हूं, किसी सूरत की तालीम देते हो जैसे बयान है, कि का है कि हमें तमाम कामों में इस्तारा करने की ऐसे तालीम देते जैसे पुरान पाक की किसी सूरत की तालीम देते आप फरमाते जब तुम में से कोई काम करना चाहे तो दो फर्ज दो रिकत फर्ज के बाद दो रिकत नमाज पढ़े फिर ये दुआ पढ़े इसके लिए कोई रात को सोने वक्त पढ़ना और उसके बाद आँखें बंद करके लेट जाना और उसके बाद कोई काली चीज़ नज़र आना या हरी चीज़ नजर आना जरूरी नहीं होता बेसिकली इसका भी तर्जुमे अगर हम आप हम इसके मतलब को हम इस पर गौर करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि इसके अल्फाज से हमें खुद पता लगेगा कि ये जिंदगी के हर काम को करने से पहले अगर हम इस तखारा की दुआ पढ़ें तो उसके अंदर बरकत होगी कोई भी काम करना हो कोई भी डिसीजन लेना हो कोई भी फैसला करना हो और उसके बाद हम, हम अपने दिल के मामला को और आसानी दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी और अपने दिल को भी हम छोड़ देंगे तो जो काम हमारे लिए बेहतर होगा वो खुद ब खुद अल्लाह उसमें आसानी कर देगा और इसके अंदर एक जहन में रखे बात कि ये जरूरी नहीं है कि ये वही काम हो गए जो आप चाहते हैं यानी कि आपकी दिल की रजा और जो एक इन आपका झुकाव है जरूरी नहीं है कि वही काम हो गए जो आप जिसको पसंद कर रहे हैं वही हो भी जाए ठीक है तो इस्तखारा करने के बाद कहा जाता है कि जो इस्तखारा करता है वो कभी नामुराद नहीं होता ठीक है तो हम जो अपनी ग्रामर की चीज को इसके साथ को रिलेट करते करते हम करेंगे तो सबसे पहले देखें इसमें जुमला आता है अल्लाह ठीक है तो अल्लाह मैंने पहले भी कई एक दफा एक्सप्लेन किया है कि ये अल्लाह अल्लाह और मी मुश्द के साथ है तो इसका मतलब होता है ए अल्लाह ठीक है और अल्लाह जो है वो मिल के बनता है अल्लाह से तो अल जो है वो किसी भी मारफा बना देता है यानी कि उसको स्पेशल बना देता है तो अल इला इला किसी भी मबूद को इला कहते हैं तो अल इला इज स्पेशल इला जो कि अल्लाह की ज़ात है ठीक है अल इला तो अल इला से मिलकर अल्लाह बनता है और अल्लाह ये मी मुश्द है कि अल्लाह तो ये अल्लाह का का जो है ये इसका मतलब है ए अल्लाह और ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये नाम मखसूस है ठीक है अच्छा तो अल्लाह उसके बाद अगला जो इसमें जुमला आता है ओ, इन्नी. ये मेरे पास एक मिनट में इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे जी तो इसके बाद देखें इसके बाद आता है इन नी तो ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्ना जो होता है इन्ना के लिए होता है वेरिली यानी कि इंडीड या बेशक अगर किसी चीज को हम श्योर करने की कोशिश करें ना तो हम कहते हैं बेशक तो बेश इन्ना का मतलब बेशक होता है ठीक है अच्छा उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले जो लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों को मैंने कुछ इशारे बताए थे कि अगर एंड पे या आए तो वो मेरा या माई के मानी में होता है अगर का आए तो वो योर के मानी में होता है ठीक है अगर वो नून अलिफ ना हो तो वो हम के मानी में होता है या वी के मानी में होता है आवर आवर के मानी में होता है ठीक है तो यहां पर आप देखें कि ये इन नी है तो ये इन इन्ना प्लस या ठीक है तो ये यानी कि बेशक मैं यहाँ पे इन नी का मतलब होगा बेशक मैं है अल्लाह बेशक मैं ठीक है बेशक मैं अच्छा अगर इसमें हा दो लफ्ज और होते हैं हा होता है तो वो हा जो होता है वो के लिए मानी में होता है तो मतलब ये आ, जो अब ये थोड़े से इसकी रिवीजन हो जाएगी या का नून अलिफ ना और हा ठीक है तो जो ये एंड पे लफ्ज आते हैं ये उनकी मैंने आपको चारों की रिवीजन इसमें बता दिए मैंने आपको अच्छा उसके अस्तखीर का मतलब होता है कि इसके अंदर ना सवाल किया जा रहा है मांगे जा रहे हैं खैर और ये का का मतलब है योर कि यू, यू तुमसे मांग रहे हैं तो अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह हम तुझसे खैर मांग रहे हैं ठीक है इसमें अस्तख़ीरों का अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका ये इसके अंदर इस्तहार है मांगने का और खैर है और का जो है फॉर यू है कि ए अल्लाह मैं बेशक मैं तुझसे खैर मांगता हूँ ठीक है किससे किससे मांगता हूं किसे, किसे मांगता, किस बदौलत मांगता हूं बिलमिका वस्तखदुरुका بخुदराдика ये अभी आगे इसका आगे हम देखते हैं कि इल्मिका बिलमिका बेशक तेरे ilm से ठीक है ना इसमें बा का मतलब होता है विद असल में देखें ये बहुत अच्छा नहीं हूं मैं ये इस मीडिया में तो इसलिए मैं बहुत खूबसूरत अंदाज में शायद आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दूं साथ ही मैंने अभी ग्रुप में एक जिनसे मैंने अभी मैंने सुना था क्योंकि इस दुआ सखारा के की एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत कम जगहों पे मिली लेकिन मैंने बहरहाल एक दो जगहों से सुनी थी और उसको मैंने फिर आपको ज़्यादा फॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा करा तो इसमें बेसिकली देखें हम खैर का सवाल कर रहे हैं अल्लाह हम बेशक ए बेशक मैं तुझसे खैर मांगता हूँ ठीक है ये इस अस्तखीरों का में मैं इस्तार मांगने को है और खैर है ता यहाँ पे ये देखें ये अलिफ है फिर ये सीन है फिर ये ता है ये ता ता और आ, ये खैर है और फिर ये का है तो का इज फॉर यू ठीक है तो मैं तुझसे खैर मांग रहा हूँ फिर उसके बाद आ रहा है बा इल्म और फिर का आ रहा है देखें तो मैं बा हम लोगों ने बिस्मिल्लाह जब पढ़ा था या याबिल्ला पढ़ा था तो बा का मतलब होता है विद ठीक है तो मैं तेरे इल्म के साथ मांग रहा हूँ वस्त तो ये हम ये कह रहे हैं कि हम मैं तेरी खैर मांग रहा हूँ मैं मैं तुझसे खैर मांग रहा हूँ तेरे इल्म के साथ ठीक है और अगले अगले में क्या कह रहे हैं वस तख्त रुका बेकुदरत का ये इसके अंदर जो है ये कुदरत का जिक्र आ रहा है ठीक है तो कोई भी काम हमने करना होता है ना तो उसके लिए देखिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है एक कुदरत और एक यानी कि अगर हम कोई भी काम करना चाहें तो हमारे पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम वो काम कर सकें हमारे पास इख्तियार होना चाहिए काम कर सकें और दूसरी जो चीज़ होती है हमें उस बारे में इल्म होना चाहिए कि भाई वो काम बेशक हमारे पास इख्तियार हो लेकिन हमें इल्म ही ना हो तो हम वो काम नहीं कर सकते ना तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि खैर मांग रहे हैं इल्म के जरिए और कुदरत मांग रहे हैं अल्लाह से हम तो हमें दो चीज़ आगे 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 इसकी आगे आएगी इसकी ना तो हमें कोई भी काम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक इल्म और एक कुदरत तो हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह तेरे इल्म भी तेरे पास है और कुदरत भी तेरे पास है तो हम तेरे से सवाल क्या कर रहे हैं कि हम तेरे से खैर मांग रहे हैं इलम की या हम तेरे से मांग रहे हैं कि तेरे इलम से हम थोड़ी सी खैर ले लें और तेरी कुदरत से हम थोड़ी सी कुदरत ले लें और वो उसको काम को करने के लिए हमें पता चल जाए कि हमने कैसे करना है तो ये बात दो बातें यहाँ पर साबित हो रही हैं कि यहाँ पर हम इलम मांग रहे हैं अल्लाह से और हम कुदरत मांग रहे हैं कुदरती का तेरी कुदरत में से तेरी कुदरत से ठीक है ना तो ये बेअल का वस तक दिर वस्त दिरुका बेकुदरती का देखें सवाल के मानी में आता है ठीक है यहाँ पर भी अस तो उसमें का जो है मैंने आपको बताया यू के लिए जहां पर भी अय्या का नाबुदू व अः का नस्त ये का का लफ्जहा भी आ रहा है ना तो हम समझ लें कि ये सामने वाले बंदे से हम बात कर रहे हैं तो, तो फॉर यू या यू या यू तुम्हारी या तेरे से ये 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 उसके मानी में आता है ठीक है वस तख दुका बेकुदुदरती का वा अजीम ठीक है यहाँ पे क्या रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ अस अलू फिर वही देखें सवाल क्या आ रहा है मैं तेरी तेरे से सवाल कर रहा हूँ मिन फजल अजीम और मैं तेरे से ये यह, यहाँ पे साथ साथ अगर आप इसका बावरा तर्जुमा भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी देखें ये आएगा कि बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ ये भलाई खैर के मानी में ठीक है मैं तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ ठीक है तलब करना या करना। और मैं तुझसे तेरे का सवाल करता हूँ सवाल कर रहा हूँ मांग रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं? फ़द्लिकल फ़द्लिकल फदल आजीम। आजीम से तेरे मांग रहे हैं फा नेरे बेशक। बेशक पास कुदरत है वाला अकदिरु फा कहते हैं बस के मानी में आता है, बेशक तेरे पास है कुदरत तू कुदरत वाला है सवाल करता हूँ क्योंकि यहां से मेरे ख्याल है वही कुदरत ये, ये का लफ्ज है कुरत तेरे पास है और मेरे पास कोई कुदरत नहीं है व तू इल्म रखता है वाला और नहीं अलमू ये अलिफ जो है वो मा मेरे लिए ये जो दूसरे लफ्ज आप लोगों को मैंने जो शुरू में आते हैं वो बताए थे अलिफ मैं या मेरे लिए है ता यू है।, नून हम है और या फॉर ही शी है ठीक है ना ये ये वन अलिफ और नाम नून जो है ये जो फर्स्ट पर्सन के लिए है ये ये ता जो है ये for second person है फॉर पर्सन और या जो है जो मौजूद नहीं होता वो उसका ठीक है फॉर थर्ड पर्सन ठीक है तो यहाँ पर इनमें से ता ता आया है तो फॉर सेकेंड पर्सन तो ये देखें ये यहाँ पर यही बात इसको बता रहे हैं कि फना का, का तक दिर बेशक तू ये ता ताया आया है तो ये कुदरत के लिए है कि तू कुरत रखता है वला अकदिरु और यहाँ अलिफ जो आया है ये मेरे लिए वला और मैं नहीं और, और नहीं मैं कुदरत रखता व तमू व तो इल्म रखता इल्म है ये जो हम, आ, हम, हमारी जबान में यूज होता है तो ये ता और मिलकर ता ता वाला नहीं रखता व अंता यह हम लोगों ने पिछली दफा डिटेल से ग्रामर ये जमायर किए थे और मैं ये यह पे यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने कहा था हुआ हम हुम, हा हुमा हुन्ना, उसके बाद था अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अन तुन्ना अना नहनु ये है ही ये दो लोगों के लिए हुमा, और ये सारों के लिए बेसिकली ये जो चारों हैं इनके लिए दे है ये ही है और ये शी है ये इन सारों के लिए हमारे लिए इंग्लिश में जो लफ्ज है वो यू है लेकिन ये एक सामने अगर बंदा हो तो उसको हम अंता बोलेंगे अगर सामने दो लोग होंगे तो अंतमा होगा अगर सामने दो से ज्यादा मर्द होंगे तो वो अंतम होगा इसी तरीके से अगर एक औरत होगी तो उसको अंति बोलेंगे दो औरतें होंगी तो उसको अंतमा बोलेंगे और दो से ज्यादा औरतें होंगी तो उसको अंतुन्ना बोलेंगे अना जो है आई और नहनू इज वी तो यहाँ इन 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 ग्रामर में से यहाँ पर यहाँ पर क्या आया था वाला ठीक है हम अल्लाह को कह रहे हैं कि वह अंता अल्लामूब इसके अंदर क्या लफ्ज है उर्दू का इल्म इसके अंदर है गैब जो हम आम जबान में हम बोलते हैं वह अंता अल्लामूब बेशक तो गैब का इल रखता है ठीक है अब यहाँ तक का जो है फिर उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अल्लाह ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं कब का मैं तेरे से तेरे इल्म के साथ खैर तलब करता हूँ बस तख दुका बेदरती का बे कुदरत और कुदरत में से ताकत तलब करता हूँ मांगता हूँ सवाल करता हूँ क्या सवाल करता हूँ क्योंकि भाई तू कुदरत रखता है वाला अकदरू फिन न का तख दरू वाला अकदरू और तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता वताम वाला आलम और बेशक तू इल्म रखता है और मैं इल्म नहीं रखता ठीक है अब देखें ये जरा इस दुआ को जरा सा अपने दिमाग में रख के सोचें जरा कि ये कितनी खूबसूरत दुआ है अगर हम अब ये, ये मैंने मेडिकल कॉलेज में 20-22 साल पहले मैंने ये दुआ याद की थी उस वक्त शायद मुझे इसको इस तरह समझ नहीं थी मुझे लेकिन मैंने फॉर सम रीजन मैंने ये याद की थी आहिस्ता आहिस्ता और मैंने रेगुलर पढ़नी शुरू की थी अपने हर मामला में तो आप यकीन करें मैं ये कहता हूँ आज मैं इस मुकाम पर अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है और जितना मुझे जितना मेरे पे फजल किया है मैं कहता हूँ कि ये दुआ जो है ना ये हर इंसान को अपने बच्चों को याद करानी चाहिए और उसका समझ दे के ये वसीयत करनी चाहिए कि अपने हर मामले से पहले अब तो दुनिया इतनी आसान हो गई है हमें हाथ में भी कोई कार्ड भी पकड़ने की जरूरत नहीं है मोबाइल के अंदर ही आप अपने रख लें और आदत कर लें कोई भी काम करने से पहले जल्दी से मोबाइल से निकाल के दुआ पढ़ लें कि अल्लाह मैं ये काम करने लगा लगाऊँ आगे भी इसका आगे आएगा तो देखें यहाँ तक की बात में अब जरा इसका माहौल जरा सोचें कि अल्लाह से हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तुझसे मैं खैर मांगता हूँ तेरे इलम से या अल्लाह मैं तेरी कुदरत तेरी ताकत में से थोड़ी सी ताकत मांगता हूँ ताकि मैं ये काम कर सकूँ और मैं तेरे फजल अजीम से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि तू जहाँ तू कुदरत रखता है मैं कुदरत नहीं रखता तू इ्म रखता है मैं इल्म नहीं रखता और तुझे तेरे पास गैब का इल्म है ठीक है यहाँ तक हो गया अगला फिर वही आ गया अल्लाह ए अल्लाह इन कुंता अच्छा अब यहाँ पर क्योंकि देखें साथ साथ मेरा मकसद आप लोगों को थोड़ी सी ग्रामर भी समझाना है और जहां अगर आप वैसे मैं आपको ग्रामर समझाने की कोशिश करूंगा तो वो शायद आप लोगों के लिए हजम करना मुश्किल होता है लेकिन मेरा मकसद क्योंकि आप लोगों को साथ साथ वो ग्रामर का भी बारे में बताना है अब यहाँ पर ये इस कुंता से मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा और मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊंगा कि ये कुंता और कुंतू क्योंकि यहाँ पे कुंता है और यहाँ पे आगे आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा वो हम दूसरी में दो आप लोगों को जो बतानी थी आज उसके अंदर तू आएगा तो ये मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं लेकिन ये एक दफा मैं आपको बताता हूँ और आपको सामने टेक्स्ट भी दिखाता हूँ देखें अरबी जबान के अंदर ना ये बेसिकली हम पहली दफ़ा फेल के बारे में डिस्कशन इसी वक्त करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो जुमला आ रहा है वो उसके अंदर उन्होंने जो लिखा हुआ है वो कुंता है ठीक है तो ये बेसिकली जो कुंता है ना इसके अंदर कुन कुन है और ता है तो हम लोगों में से हर किसी ने ये जुमला सुना होगा कन फयाकून कन फकून के जब अल्लाह जब कोई चाहता है काम तो वो कहता है कि कन फयाकून और वो हो जाता है तो कुन का मतलब होने में होता है ठीक है कि कोई चीज का अगर कोई किसी चीज का हैपनिंग के लिए कुन का लफ्ज होता है ठीक है या कोई चीज के होने के लिए ये लफ्ज का होता है ठीक है तो ये किस तरीके से ये ता यहाँ पे क्यों आया हुआ है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये ता की जगह कुंतु होगा तो उसका मतलब होगा मैं कु का मतलब होगा सामने वाले को हम कह रहे हैं तो एक मिनट में आपको भी बताता हूँ ठीक है फेल के अंदर जो तीन लफ्ज होते हैं ठीक है आमतौर पर जैसे या मैं दाखिला की एग्जाम्पल लेके करूंगा दाखिल दाखिल होने के लिए सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनको दाखिल होने का पता है दाखिल के लिए दाखिला का मतलब होता है दखूल लिखा हुआ होता है तो वो उन्हीं इसी के लेकिन इसमें तीन लफ्ज है दा खा और लाम ठीक है इसी तरीके से जो हम ने जो अभी अभी तक कुछ जो रहमान का लफ्ज हमने पढ़ा था रहमान के लफ्ज में रा हा ठीक है तो इन्ही तीन लफ्जों तो के इस्तेमाल से उसके अंदर आगे तब्दीली से तमाम जुमलों का बनता है और बेसिकली ये रूट इसको कहा जाता है रूट वर्ड तो रूट वर्ड के जरिए जोड़ के जुमले बनते हैं ठीक है तो इसके अंदर फेल को यानी कि जो हम कहते हैं ना कि आई गो यू गो ही गो दे गो शी गो ठीक है ये एक दो तीन चार और कौन सा रह गो ठीक है ये इंग्लिश में ना इन छह के अगर हम ये दाखिल होने के लिए मैं अगर मैं लिखूं तो ये इसी को मैं अगर दोबारा से लिखूं तो एंटर का लफ्ज आ जाएगा ना तो आई एंटर एंटर ठीक है ही एंटर ये बेसिकली एंटर्ड होगा दे एंटर्ड और किधर गया यू एंटर्ड ये सारा शी शी एंटर्ड और यू एंटर्ड ठीक है इन एक दो तीन चार पाँच छः में सारे जुमले मुकम्मल हो जाते हैं ठीक है आप देख लें कि अगर एंटर से मुता कोई भी चीज होगी तो वो मैं दाखिल हुआ हम दाखिल हुए वो दाखिल हुई वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुई वो सब दाखिल हुए और तुम या एक है या दो है या दो से ज्यादा है सबके लिए यू एंटर्ड ठीक है अब इसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे इसमें के इसमें में मैं पहले जो है ना इसमें जो मैं आपको लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे वही दाखला है ना तो पहला लफ्ज जो है दाखला फिर दाखला, दखलू ठीक है ये पहला लफ्ज हो गया फिर उसके बाद हो गया दख दखलत, दख और दखलना उसके बाद दखल ता दखल दखल तुमा दखल ثم دخل تي دخل ثم دخل تنا دخل تو دخل ना अब अब एक यहाँ पर आप ये देखें ये आपको शायद थोड़ा सा उसी में ही समझ आ गया हो कि जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना पहले हुआ हुमा हुम हा हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु तो एक्चुअली ये वो ही लफ्ज हैं जो अभी मैंने वहाँ पे ग्रामर में लिखे थे ना कि अब इसको अगर हम पढ़े इंग्लिश में तो हम कहेंगे कि वो दाखिल हुआ वो दो दाखिल हुए वो सब दाखिल हुए वो दाखिल हुई वो दो दाखिल हुई वो सब दाखिल हुई तुम दाखिल हुए तुम दोनों दाखिल हुए तुम सब दाखिल हुए तुम दाखिल हुई तुम दोनों दाखिल हुई तुम सब दाखिल हुई मैं दाखिल हुआ हम दाखिल हुए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा सोचे मैं यहाँ पे इसका लफ्ज भी साथ साथ लिख देता हूँ हुआ हु हा हुमा अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु देखिये इनमें से जो उस दुआ के अंदर जो लफ्ज आया था वो द, वो अंता वो कुंता था ठीक है तो ये कुंता का मतलब है हम सामने वाले मुजक्कर के लिए लफ्ज बोल रहे हैं अल्लाह के लिए मुजक्कर का लफ्ज यूज होता है ठीक है तो ये ये इसकी है ये इसके लिए अगर टू भी स्पेसिफिक जब आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा फेल माजी ठीक है तो ये फेल माजी की ये तमाम और अब आपको ये देखें ये जो लफ्ज अब आप अब आप एक जहन में रखें बात की यहाँ पर आपको ये दखलना ना दखल ना और दखलना दखल ना और दखलना अब देखें इससे कितना फर्क हो जाता है कि कुरान पाक पढ़ते हुए अगर हमको ये बात समझ ना आए तो शायद हम इस चीज़ पर ध्यान ना दें अगर कहीं पर कोई लफ्ज जिसके अंदर इस तर्ज में वो लिखा हुआ है ना तो अगर हमने उसको इस तर्ज में पढ़ेंगे तो वो होगा कि वो सब दाखिल हुई वो औरतों के लिए और दखल ना हम दाखिल हुए सिर्फ बोलने के फर्क से मतलब ही फ़र्क हो जाएगा कि ये दखल ना है और ये दखल ना है दखल ना दखल ना दखल ना दखल ना ठीक है इसी तरीके से ये मैंने जब लास्ट टाइम किया था तो हम ए, इन्ना और इन्ना इन्ना बेशक इन्ना बेशक हम ठीक है तो ये अगर हमें ये ग्रामर का समझ आ जाए तो जब हम कुरान पा की हमारी तजवीज़ भी भे, भे, हमारी करत भी बेहतर हो जाएगी हमें समझ आ जाएगा हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि मतलब भी बदल जाएगा कि अगर ये दखल है और ये दखल दखलता और दखलती फीमेल और मेल का डिफरेंस आ जाएगा ठीक है दखल तू मैं है ठीक है तो ये ये थोड़ा सा आ, मैंने आपको फेल की आ, से भी एंटर आज हो गए हम लोग इस बात से और यहाँ पर आप देखें ये जो यहाँ पे मैंने दाखला लिखा है ना यहाँ पे मारने को जरा कहते हैं ठीक है तो इसके अंदर वा रा और बा है। तो आप इसको इसी के अंदर करेंगे तो ये जरा बारा बारा जरा बतरा जरबना नुमा जरबतुमा जरबतुम जरबती उसने मारा उन दोनों ने मारा उन सब ने मारा उस लड़की ने मारा उन दोनों लड़कियों ने मारा उन सब लड़कियों ने मारा क्या क्या नाम है इसका ये क्या नाम ये जो है तुम तुमने यहाँ पे तुम हम मैं बंदे को कह रहा हूँ तुमने मारा तुम दोनों ने मारा तुम सब ने मारा तुम लड़की ने मारा तुम दोनों लड़कियों ने ने मारा 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 आ, मारा तुम सब मैंने मैंने और आ, हमने मारा ठीक है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप, अब आप सोचते जाएं अब आप इस चीज को दिमाग में रख के जब आप कुरान पाक पढ़ें तो देखें अगर कहीं पे ता आ रहा है ना तो उसका मतलब सामने वाले के लिए मजक्कर के लिए आ रहा होगा जहां पर इस तरह के किसी फेल के बाद अगर ये लफ्ज आ रहे होंगे ठीक है तो ये थोड़ा सा ये मैंने आपको एक ये हम दोबारा भी इंशाल्लाह रिपीट करते रहेंगे लेकिन ये जमी जमायर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप लोगों को आगे मानी समझने में आसानी होगी ठीक है तो ये ये गया अब हम वापस उसी जुमले पे जहां से हम डाइवर्ट हुए थे वहीं पे जाएंगे जी ठीक है तो मैं आपको यहां से लेके गया था अल्लाहुम्मा इन कुंता ये कुन प्लस ता मैंने कहा था अल्लाह इन बेशक अल्लाह उम कुंता था अन्ना हाजल अमरा ठीक है ये यहाँ पे हम कह रहे हैं हाजल अमरा ये काम इस टाइम काम इस जुमले पे आपने उस काम को सोचना है इस जुमले पे आपने उस काम को सोचना है जिसके बारे में आप इस्तारा करना चाह रहे हैं ठीक है थीकिए? तो ये अगर अगर तेरे इलम में है वह इन कुंता अन्ना हाजल आगे हम क्या कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह तेरे अगर इम में ये काम जो है खैरुल्ली खैरुल्ली अब जिसमें देखें लाम हम लोगों ने बताया था मैंने आपको एक जी देखे लाम जो था ना वो भी हमारा एक से जर था लाम को मैंने कहा था कि इट होता है फॉर ठीक है तो लाम लाम हमने किया था लाही ठीक है अल्लाह के लिए ठीक है तो यहां पर भी ये ली है आ, ये देखे खैर ली तो ये लाम प्लस या है तो इसका मतलब है मेरे लिए ठीक है अब ये ये ली का जुमला बा ये यहाँ पे आप आपको अगले दिन देर में भी आपको समझ आएगा खैर उल्ली। और फी जो होता है में ये ये जो है ना हरफे जर थे इनके नाम से प्रेपोजिशन थी इनके अंदर देखें अला था इला था और बा था ठीक है लाम था आ, और क्या था मिन था ठीक है तो इन्हीं में से फी भी है उसी में से मे ठीक है तो क्या है अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तेरे में मेरे इस काम में मेरे लिए क्या है खैर है खैर फी दीनी किस में दीनी मेरे दीन में माशी मेरी माशियत में माश में जो हमारा हमारा पैसे कमाने का होता है फी दीनी मेरे दीन में व माशी ये देखें माश है और या है वह आबती अमरी जो मेरा आकबती अमरी बेसिकली ए, ये आखरत के लिए हम कह रहे हैं ठीक है अनजाम कार कह लें मेरे अंजाम कार यानी कि बेसिकली आकबती अमरी ये बेसिकली हम आखरत के बारे में हम कह रहे हैं कि जो मेरी आकबत हम कहते हैं हम, ना हमारी आकबत खराब ना हो जाए तो बेसिकली ये वही जुमला है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तेरे इल्म में मेरे लिए ये काम जो है क्या है खैर मेरे लिए खैर है फी दीनी खैर किस में है दीन में माश में और आकबत अमरी में तो क्या करो फक तो मेरे लिए मुझे उसकी मेरे मुझे उसके जो है वो उसकी कुदरत दे दे ठीक है ली यस्र का मतलब होता है वस हुली हुई यसर कहते हैं आसानी को सहूलत को तो ये क्या है ये यहाँ पे आगे देखें मेरे माश और मेरे इंजाम के लिहाज से बेहतर है तो उसका मेरे हक में फैसला कर दे ये कुदरत दे दे ये बेसिकली महावरा बा महावरा तर्जुमा जो होता है ना उसके अंदर वो उस, उसका तो यही ये, ये देखें यही चीज होती है अगर आपको इन लफ्जों की समझ आता है तो आपको बा महावरा तर्जुमा भी ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा ठीक है लेकिन अगर आपको इसके लफ्जों की समझ नहीं आएगी तो आपको बा महावरा तर्जुमा में कई दफा आप नहीं पिक कर पाएंगे चीज़ों को तो मुझे उसकी कुदरत दे देगा फक दुर फक दुर हु मेरे लिए उसकी कुदरत मेरे हक में फैसला कर दे या मुझे उस चीज की कुदरत दे दे ठीक है, ली मेरे लिए उसमें आसानी कर दे, सुम्मा बारिक लीफी, सुम्मा बाद में सुम्मा कहते हैं बाद को फिर उसके बाद ठीक है सुम्मा बारिक ली मेरे लिए बरकत दे दे उसमें अपनी बरकत में से बरकत दे दे बारिक ली फी ही उसमें फी ही ये देखें, ये फी ही में ना फी प्लस हा ठीक है ये फी ही ये बेसिकली उसमें है ये हा जो होता है ना ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि या मेरे लिए है नून नूनिफ ना हमारे लिए है का तुम्हारे लिए और हा जो होता है ना वो थर्ड पर्सन के लिए होता है उसके लिए ठीक है तो ये उसको कह रहे हैं कि उसमें कर दे क्या कर दे सुब्मा बारिकली फी ही उसमें बारक बरकत दे दे मेरे लिए ठीक है बारिकली फी ही उसमें मेरे लिए बरकत है दे। ये देखो ये जुमने फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे ठीक है अच्छा देखिए अगर प्लीज अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आए तो मुझसे हैंड रेस करके मुझसे पूछ लें ठीक है सुम्मा बारिकली फी ही व इन कुंता और अगर कुंता अगर तेरे इलमे में इन कुंता तालमू अन्ना हाजल अमरा वही जुमला दोबारा से आ गया यहाँ वहाँ पे खैर था यहाँ पे शर आ गया शर ली ठीक है उसमें शर है मेरे लिए फी दीनी मेरे दीन में व माआशी व आक़िबती अमरी ये वही जुमला है जो वहाँ पर भी है सिर्फ फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तेरे इल्म में तेरे इस काम में मेरे लिए शर है दुनिया में माश में और आखिरत के उसमें जाम कार में तो क्या करे फस रिफ हु फिर वफ नी अनहू ये फिर हु उसको मुझसे दूर कर दे ये ये ये, इस, ये इसके अंदर जो लफ्ज है हु का मतलब होता है कि दूर करना ठीक है अझसे व सिर्फ नी अनहू और उस उसको मुझसे दूर कर दे ये यह यहाँ पे या आ रहा है इट इज फॉर मी ये हु आ रहा है उसको यानी कि कह रहे हैं कि उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे ठीक है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर अगर ये काम मेरी दुनिया मेरे दीन मेरे माशद और मेरे आकबरत के लिए शर है तो मुझे उससे दूर कर दे अमरीबर अमरी फिर उसको दूर कर दे मुझ से या अन है और या है अन नी का मतलब होता है मुझसे ठीक है और अन हु का मतलब होता है उससे तो वह सिर्फ नी उसको कर दे मुझसे दूर वक और मेरे लिए खैर को कुदरत कर दे मेरे यहाँ पे आगे इसमें आगे जुमला जो आ रहा है वो ये है कि मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे या मेरे लिए खैर की कुदरत दे दे ठीक है हैसु जहां पर भी हो काना सुनी भी और आगे वो कह रहे हैं कि आ, मुझे रा, राजी कर दे और खैर कर देना जहां पर भी हो ये ये देखें यहाँ पे मेरे लिए भलाई का फैसला कर खैरा मेरे लिए खैर का फैसला कर दे भलाई का फैसला कर दे हईसु काना जहां पर भी वो हो सुमरदनी बिही और मैं उससे उससे राजी हो जाऊं ठीक है तो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जब हम कई दफ़ा कोई जिंदगी का फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ होता है तो बेसिकली ये इस्तारा की दुआ के बाद इंसान नामुराद नहीं होता और उस इस इस्तारा की दुआ के बाद हमको एक दिल को हमारे हमारे दिल को हम अल्लाह से हम सारी चीज़ें मांग रहे हैं अब इसको अगर रिवाइज करें तो हम कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं तुझसे तेरे खैर के साथ इल्म मांगता हूँ तेरे खैर तेरे इल्म के साथ मैं खैर मांगता हूँ मैं तेरी कुदरत के साथ ताक़त मांगता हूँ मैं तेरी फजल अजलीम से मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि तू जानता है तू बे, बे, क्योंकि तेरे पास कुदरत है और मेरे पास कुदरत नहीं फिन तकदिर वाला अकदिर व तालमू वला, वला आलम तू इल्म रखता है मैं ही रखता और तू गैब का इल्म जानता है अगर ये काम हे अल्लाह अगर ये काम तेरे इल्म में है खैर मेरी दुनिया की दुनिया की सॉरी मेरी दीन की मेरी माशत की और आगबत अमरी आखरत के लिए आगबत के लिए मेरे लिए खैर है तो क्या कर तू मुझे उसकी कुदरत दे दे मेरे हक में फैसला कर दे मेरे लिए आसानी कर दे भाई वयसर होली ठीक है और फिर उसके अंदर मुझे उसमें से बरकत दे दे और अगर ये काम मेरे लिए दुनिया मेरी दीन मेरी माशत और मेरी आकबत के लिए शर है तो मुझे उससे दूर कर दे और उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे खैर दे दे जहाँ पर भी हो और मुझे उस पर राजी कर दे तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये दुआ को याद कर लें और जिंदगी के हर काम को करने से पहले इस सहारा की दुआ को पढ़ें, ठीक है अच्छा एक एक जुमला में और डिस्कस करना चाहता हूँ जो हजरत यूनुस ने ए, उस वक्त पढ़ा था कि जब वो मछली के पेट में बंद हो गए थे So, इसमें देखें वही है ला इलाहा इला। ये जो होता है ना यहाँ पे हम इसको खींच के पढ़ते हैं ला इल्ला तेरे सिवा कोई ला नहीं है तो इसके लिए जो होता है कि ये absolutely नॉट जो है ना जो बिल्कुल बहुत आ, स्ट्रॉन्गली रिफ्यूज कर रहे हैं ना उस चीज को तो उसके लिए ला इलाहा इला, अंता बेशक तू के तेरे अलावा कोई भी ला नहीं है सुबह न का सुबहान का में सुबहान और का है हम तेरी पाकि बयान कर रहे हैं ला लह अला अंता सुबह का इन्ना में देख ले अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इन्नी ये इन्नी है ठीक है बेशक मैं कु हूँ बिनाबीन में से तो ये बेसिकली हजरत यूनुस जब मछली के पेट में कैद हो गए थे तो अल्लाह ने उनको ये दुआ सिखाई थी तो हजरत यूनुस ने ये दुआ की थी अल्लाह से इला कुंतु जो अभी मैंने आपको जो ग्राम वो उसका फेल के बताए हैं उनमें कुंतु बेशक मै मिनाजिमीन बेशक मैं जो हूँ इन्नी कुंतु बेशक मैं हो गया हूँ ालिम से ठीक है क्योंकि उन्होंने मतलब अल्लाह तला की फरमान से पहले वो अपनी बस्ती को छोड़ के चले गए थे तो अल्लाह ने उनकी कर... तस्क की थी और उनको अल्लाह की तरफ से एक सख्ती आजमाइश में से गुजरना पड़ा था तो ये एक किया है और कुछ ये देखिए ये जो किताब है इसमें से आप लोग रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं आमिर सोहेल साहब की जो ग्रामर के लेक्चर हैं वो मैं हर दफ़ा शेयर करके आपको दिखाता हूँ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसमें से सुनें और साथ ये किताब ये सॉफ्ट कॉपी में मैंने इस लिंक के अंदर रखी हुई है तो यहाँ पर आपको ये ग्रामर में ये मिल जाएगी ये ग्रामर के अंदर यहाँ पर आप जाएंगे ये अस ईजी ग्रामर यहाँ पर ये मौजूद है ठीक है तो ये वही किताब है तो इसमें से बेसिकली आप एक एक लफ्ज़ एक एक चीज़ को अगर ना भी समझे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कोई भी अगर हमारे सामने एक इसम लिखा होगा तो हमने देखना है कि ये मुजक्र है या मोनस ये वाहिद है ये मुसन्ना है या जमा है ये मारफा है या नकरा है और आप की हालत में ये हालत रफ़ा में है हालत नसब में है हालत जर में तो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी मैं दोबारा से क्विकली दोबारा से करूँगा मुन्नस जो है या तो वो हकीकी होता है कि वो औरिजिनली उसका चक्कर मौजूद होता है तो वो मोहनसे हकी होता है जैसे उम है माँ को कहते हैं बिंद बेटी को कहते हैं उफ बहन को कहते हैं इमरा औरत को कहते हैं ठीक है थीके? या जो है उसके बाद ऐसे होते हैं जो जो मोहनस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं लफ्जी आ, उनके उनके ऊपर कोई ऐसी निशानी नहीं होती वो यूज ही उस, उस तरह से होते हैं जैसे मेरवाहा पंखे को कहते हैं शम्पस जो है वो सूरज को कहते हैं सहरा आ, ये उसमें यूज होते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद उनके आगे कोई अलामत होती है स्पेसिफिक जी जिनमें से एक गोलता अलामत है अलिफ और हमजा अलामत है ठीक है इसके अंदर कुछ आ, रूल्स की एक्सेप्शन होती हैं लेकिन यूयली जिस लफ्ज़ के आगे ता गोलता आ रहा होगा ना वो आमतौर पर फीमेल मोहनस के तौर तो पर इस्तेमाल होगा अगर अलिफ और हमजा आ रहा होगा तो वो मेजोरिटी केसेस में वो मुन्नस के तौर पे होगा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद जो एक और टाइप मोन्नस की होती है जो जिसे अहल जबानस कहते हैं जैसे समा है अर्द है शम्स है यद है अच्छा इसके अंदर जो मोनस समाई है ना उसमें अरब जो है वो जो हवाओं के नाम है उनको मोनस लेते हैं शराब के जो नाम हैं उनको मोनस लेते हैं आग के नाम जो हैं उनको मोनस लेते हैं शहरों मुल्कों के नाम है वो बीबक्का मुकरमा ठीक है ना तो वो जो शहरों उनको मोहनस लेते हैं वो जिसम के हमारे जो ऑर्गन्स के जो दो दो होते हैं जैसे हाथ हैं पाँव हैं कान हैं आंखें हैं रुकबा घुटने को कहते हैं तो वो सारे मोहनस हैं तो रूल ये है कि एवरी थिंग इज कंसिडर टू बी मुजक्कर अनटिल इट प्रूव टू बी मोनस यानी कि हर चीज को मुजक्कर हम समझे जाएंगे अगर वो इस फिल्टर में से हो कि या तो ओरिजिनल मोनस हो या उसको जबान में मोनस के तौर पर यूज किया जाए या उसके आगे कोई अलामत हो ठीक है या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ थिंग्स हो कि जिनको ऐलेबान जो है वो मोनस कहते हैं तो इसमें इस हिसाब इस से आप देखेंगे कि कई दफ़ा जो उसफाद के नाम होते हैं ना उनके आगे गोलता लगने से वो मुजक्कर से मोनस बना जैसे सालेह सालेहा हसन हसना मुस्लिम मुस्लिम ठीक है उस्ताज़ा, शागिर्द को कहते हैं तिलमीजा तिफिल बच्चे को कहते हैं है, तिफला। इबन, अच्छा ये एक्सेप्शन है कि तलहा जो है वो मुज़क़्कर होता है आमतौर पर और खलीफा मुजक्र होता, होता है नाम ठीक है अच्छा जनाब ये पहली मुजक्कर मोनस के लिए है ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स इनकी मौजूद है इनकी आखिर में किताब के एंड पे इसकी इन्होंने सॉल्व करके वो आपको पेज नंबर के हिसाब से वो मिल सकता है ये ये अच्छा दूसरी चीज होती है अदद। तो इंग्लिश जबान के अंदर एक से ज्यादा को जमा कहा जाता है ठीक है लेकिन जो अरबी है अरबी के अंदर अरबी के अंदर एक से ज्यादा के लिए जो दो है ना दो के लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज है जिसको मुसन्ना कहा जाता है ठीक है तो मुसन्ना की यूली जो अलामत बनाने का जो तरीका होता है ना कि कोई भी जैसे अगर अगर मैं साले हमने लिखा था ना कि साले की मैंने एग्जाम्पल दे के पहले भी बताया था कि साले है तो इसके आगे आ, अलिफ नून लग जाएगा ठीक है या वो अलिफ नून आनी की साउंड में होगा या आईनी की साउंड में होगा ये अगर अभी हम अगला जो स्टेप जो थर्ड कैटेगरी जो एराब की है ये है हालत रफ़ा और ये है हालत नसब और जर ठीक है साली 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 ठीक है अगर जो जो इसका मुनस था वो साल है साल ये गोलता है इसको हम साल पा नहीं पढ़ते साल पढ़ते हैं और लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे आनी के साथ तो ये साल तानी हो जाएगा ठीक है साल तानी और साल तैनी ठीक है तो ये आनी और आइनी की एक होती है मुसन्ना के लिए ठीक है ये सालेहा, साले, सालेहानी, ठीक है रजुल रजुलानी इम्र इमरा तानी किताब एक किताब दो किताबें और इसकी देखें कुरान पाक में सूरह रहमान के अंदर आती है रबुलमशर कईनी व रब्बुल मग़रबाइन ठीक है इसी तो वो जन्नतान तो ये बेसिकली ये वही ये आपको आएंगे कि कुरान पाक में अक्सर जगहों पे मुसन्ना आया है ठीक है अच्छा ये ये वलद है वलदानी है मुस्लिम मुस्लिमानी है ठीक है ये बहुत प्यारी हदीस है कलीम हबीबतानी हबीब रहमानी खफीफतानी खफीफ तानी अल लसानी फकील फिलमीजान सुबहानल्लाबी हमदही सुबह अल्लाजीम ये इसके अंदर लफ्ज है कलिमा ये दो हो गए कलीमा तानी दो कलमे इसके अंदर लफ्ज है हबीब हबीबा तान ठीक हबीबा है लफ्ज और हबीबा तान हो गए रहमान अल्लाह अल्लाह के की तरफ खफीफा तानी खफीफा बहुत हल्के हैं अलसानी जमान पर ठीक है ये अला है ये भी हरफ जर है अल्लाह सली अला मोहम्मद ये भी उन्ही हरफे जार में से है जो मैंने अभी आपको बताया था बा है लाम है फी है अला है इला है ठीक है सकीला तनी भारी है फिल मीजान में मीजान में भारी है ठीक है अच्छा जनाब उसके बाद जमा जो है वो दो तरह के होते हैं ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक के अंदर वो जुमला जो लफ्ज़ है वो बरकरार रहता है और एक के अंदर वो लफ्ज टूट जाता है ठीक है तो जो आमतौर पर जिस तरह वहां पर आनी का आया था ना जुमला जैसे अगर साले को बनाना है सा, मुसन्ना तो साले हानी आनी की साउंड है तो यहाँ पे है ऊना ये ऊना की साउंड है ठीक है यहाँ पे ऊना की साउंड है तो ये बेसिकली मुस्लिम है तो ये मुस्लिम ऊना है साले है साले ऊना काफिर काफिर ऊना ठीक है ये अगर है जो अगर वो उस हालत में रहे और इसी को अगर हम नसब और जर में लेके जाएंगे ना तो वो वहां पे मैंने आपको आना बताया था ना जबर के साथ यहाँ पे ईना हो जाएगा मुस्लिमीना काफीना तो ये कुरान पाक में आपको बेतहाशा जगहों पे जहाँ पर वो अः उसकी नसब और जर के फॉर्म में आ रहा है नसब और जर में अभी मैं आपको वहां तक पहुँचते मैं आपको वो उसके बारे में भी बताता हूँ कि ये बेसिकली जिस तरह होते हैं ये उसी तरीके से होता है लेकिन ये एक इसके लफ्स जबस... की शक्ल बदल जाती है शक्ल बदलने से उसका मतलब बदल जाता है ठीक है तो वो आगे उसके पूरे रूल्स हैं कि जुमले में जब हम यूज़ करते हैं तो कौन सा जुमले के अंदर हिस्सा जो है वो हालत रफ़ा में होता है कौन सा हालत नसब में होता है तो वो बेसिकली वो एक अगला अगला स्टेप है लेकिन यहाँ तक के लिए बात ये है ठीक है अच्छा उसके बाद जो आ, जो मोनस के अंदर वहाँ पर एक ही तरीका था यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे आती का लफ्ज आता है वहाँ पे आनी का लफ्स है दोनों के लिए मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए मुसन्ना के लिए यहाँ पे जमा सालिम मुजक्कर बनाने के लिए ऊना है और जमा मोनस बनाने के लिए आती है ठीक है तो मुस्लिम आती अब आप देखें कुरान पाक में बेतहाजा जगह जहाँ पे जो जमा आते हैं तो वहां पर वो आती का लफ्ज आता है ठीक है जन्ना जन्नात ठीक है इसी तरीके से ये मोमिना मोमिनात मुशरिका मुशरिकात, आबिदा आबिदात फासिका कानिता कनात करने वाला कानता आया आयात कलिमा कलिमात हुजरा हुजरात मुनाफिका मुनाफिका इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको ठीक है जो मुकसर होती है उसका कोई रोल नहीं होता लेकिन और उसमें वो जुमला टूट जाता है और actually, कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो आमतौर पर दोनों तरह से यूज हो सकते हैं जैसे जो है ना किताब अगर हम किताब से एग्जाम्पल लें तो किताब की किताबें भी हम बोलते हैं लेकिन जो ज्यादा बेहतर होती है या एक कह लें कि एकेडमिक होती है तो वो कुतुब होती है ठीक है तो इसी तरीके से कई अल्फाज होते हैं जिनकी दोनों बन सकती हैं जमा मुकसर भी बन सकती है और जमा साल भी बन सकती है लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं वो उनकी नहीं होती जैसे तो ये कलम जिक्र वक्त औकात शेर अशार फेल अफाल वलद औलाद माल अम्वाल तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं ठीक है ना आ, काफिर कुफ्फार फाजिर फुजार ये साथ साथ आपको जिनके मतलब नहीं आते वो आप मतलब को चाहे जन जो है वो गुनाह को कहते हैं हद हद होती है मतलब लिमिट को कहते हैं सहीफा जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल होते थे सूफ ये सूफ ये कुरान पाक में कई दफ़ा कई जगहों पे सूफ का लफ्ज आया है बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो हमारी जबान के अंदर है मौजूद है तो उनके लिए हमें गनी अदाकदा ठीक है अच्छा उसके बाद ये तीसरी जो चीज है वो है इसकी कैपेसिटी जिसमें मारफा या नकरा ठीक है तो आप ये समझ लें कि इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा कि एक लफ्ज़ है होता है बुक तो वो कोई भी किताब हो सकती है लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक किताब को करना चाहूंगा ना तो वो दी बुक बोलूंगा तो जो वो दी बुक जो है ना वो वो उसके जब वो बुक जो है वो दी बुक बन गई है ना तो वो बेसिकली नकरा से मारफा बन गई है ठीक है तो उसकी भी ये तरीका ये है कि सारे लफ्ज नकरा होंगे अनलेस वो प्रूव हो जाए कि वो मारफा है ठीक है तो यही ये, ये बात उन्होंने की नकरे का दायरा बहुत वसी है मारफा का दायरा महदूद है तो उसके अंदर आगे उन्होंने बताई है कि इसम ये पांच तरह के कैटेगरीज हैं उनमें से कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं पहले अः जो इसम है किसी नाम चीज़ जगह का जो नाम है वो इसम होता है वो सारे के सारे जो हैं वो आ, मारफा होते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद इसम जमीर ये जो भी हम लोगों ने सारे हुआ ही अन्त, सारे जो हैं ये सारे जो हैं वो इसम जमीर है ये भी मार्फा होते हैं अच्छा उसके बाद ये, ये मैंने लास्ट टाइम किए थे मैं दोबारा से जल्दी से इसको बता देता हूँ बेसिकली पॉइंट करने के लिए जो हमारे इंग्लिश जबान में यूज होते हैं दिस डैट तो ये उसके लिए जो लफ्ज यूज होते हैं ना अगर वो हाजा और हाजी जो है ना वो अगर करीब के लिए जो चीज़ है ना जिसके लिए हम दिस के मानी में ही होते हैं तो अगर एक होगा जो उसकी वो मुजक्कर होगा तो उसके लिए हम कहेंगे हाजा और अगर वो मोहनस होगी वो चीज़ तो उसको कहेंगे हाज ही ठीक है इसी तरीके से अगर जो दैट है तो दूर है कोई चीज तो हम जालिका बोलेंगे ठीक है और अगर कोई चीज दूर है और वो अ क्या नाम है उसका मुन्नस है तो उसके लिए तिलका होगा ठीक है इनके लिए आगे मुसन्ना के लिए भी लफ्ज है लेकिन वो आम तौर पे इतनी दफा कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुए तो इनके जो आगे जमा है ना वो हाजा हाजही उसके बाद जो इसका जुमा आता है वो हाउलाई तो हाउलाई कुरान पाक में कई जगहों पे आया है ठीक है इसी तरीके से उलाई का बेतहाशा दफा आया उज फॉर देट तो हाजा हाजही हाउलाईका कि वो आ, उनको मुखातिब करने के लिए ये सॉरी ये जो पॉइंट करने के लिए तो उनके लिए ये लफ्ज होते हैं तो ये आ, हाजा हाजही हाउलाई वर्ड्स हैं आप इनको इंग्लिश में पॉइंटिंग वर्ड्स कह लें या उर्दू में ये अरबी में इन्होंने ऐसे इशारा करके लिखा हुआ ठीक है तो ये आपको लफ्ज आने चाहिए कुरान पाक में बिता हाशा दफाते ही अच्छा इसी तरीके से कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो 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 जोड़ते हैं जो और जिस के मानी में आते हैं ये बेतहाशा दफ़ा कुरान पाक में आते हैं अगर ये अल्जी है जैसे अब आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या होना चाहिए ये जो है ये मुजक्कर के लिए अल्ली मुन्नस के लिए और अगर जमा है ना तो लजीना है ठीक है तो ये देख ये बेतहाशा जगह जगहों पर आता है या यूजीना ठीक है तो अल्लाजीना वो जो ए लो वो कि जो ईमान लाए हो तो इसी तरीके से तो ये मंजल्लजी आता है ठीक है अल्लही कुरान पाक में आता है कई जगहों पर तो इसमें भी मुसन्ना के लिए अलग अलग लफ्ज़ हैं अज़ानी और अल्लाती लेकिन वो कम यूज़ होते हैं अल्जीना अगर मुन्नस मुजक्कर दोनों होंगे तो उनको कम्बाइंड हम उसको अजीन के तौर पर होंगे तो कुरान पाक में सबसे ज्यादा लजीना है अल्लजी भी है अल्ला भी है लेकिन सबसे ज़्यादा दफ़ा अल्लाजी है तो ये वो जो और जिस के मानी में जो आते हैं ना लफ्ज़ वो ये हैं ठीक है थेके? ये सारे बाय द वे ये हैं मारफा ये स्पेशल वर्ड्स हैं ठीक है इनकी कैटेगरी जो है वो स्पेशल कैटेगरी है बाकी इसके अलावा जितने लफ्ज होंगे वो आ, नकरा होंगे अच्छा उसके बाद जो मैंने आपको जो पहले ही एग्जाम्पल में दी थी कि किताब एक किताब है कोई भी किताब है और उसके पीछे अल लग गया है तो वो अल किताब बन गई ठीक है लेकिन एक जेन में रखें कि यहाँ पर जो लफ्ज कई लफ्ज होंगे जिनके पीछे नहीं अल लगा सकते हम ठीक है तो ये ये जेहन में रखें कि हर लफ्ज के पीछे नहीं हम अगर कोई ऑलरेडी ये इसम जमीर है तो वो ऑलरेडी है उसके पीछे नहीं हम अल लगाएंगे तो ये नकरा को मारफा बनाने के लिए जो अ, 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 अल, अल लगेगा तो कुछ अल्फाज के उसके का रूल्स हैं आगे तो बेसिकली आप ये रखेंगे अगर अल लगा हुआ है किसी के साथ तो अलफलाम जो लगा हुआ है तो वो अ, वो भी मारफा बन जाएगा ठीक है ज़ालिकल किताब अच्छा अब यहाँ पर ना आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो ये किताब को तर्जुमे में लिखा होता है जालिकल किताब ये किताब तो ये अ, ये एक एक्सेप्शन के तौर पर तो एक्सेप्शन के तौर पर कुरान पाक को एक स्पेशल में देने के लिए अरब जो है वो कई दफ़ा करीब के लिए ज़ालिका का, का सीखा भी इस्तेमाल करते हैं हालांकि ये एक्चुअली तो ये वो के लिए होना चाहिए वो किताब लेकिन ये तर्जुमे आप पढ़ेंगे ये वो किताब नहीं लिखा होगा ये किताब लिखा होगा ठीक है तो ये बेसिकली एक्सेप्शन होती हैं ये अरबी जबान अरबी ग्रामर के अंदर ज्यादातर चीज़ें एक रूल्स के मुताबिक है लेकिन कुछ उनके एक्सेप्शन और ज्यादातर जब कोई स्पेशल बात हो रही होती है तो वो उसके जोर देने के लिए या उसको स्पेशल बनाने के लिए ऑपोजिट का होता है लेकिन आम तौर पे जनरली वो इस रूल में होता है ठीक है अच्छा उसके बाद ये बेसिकली तजवीद का कायदा है उसके अंदर ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था कि ये जो जो अल्फा ये एक जुमला लिखा हुआ है हक खौफ अजब गम है इसके अंदर जो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना उनके पीछे जब अलिफ लाम लगता है ना तो वो लफ्ज हम बगैर जोड़े मतलब उसको जो जो जैसे ये मैंने पढ़ा ना इसको मैंने अल कमर पढ़ा है तो ये मैंने ये सेपरेट आए अल लेकिन अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा ना तो ये अश अल शम्स नहीं पढ़ूंगा मैं अश शम्स पढ़ूंगा ठीक है तो अल्लाम गायब हो जाएगा तो ये इनके अलावा जितने अल्फाबेट्स हैं ना उनको हरूफ है शमसी कहते हैं और इनके अंदर जो है, हा हा है काफ है काफ ये काफ है अलिफ है खा है वाओ है फा फा है ठीक है और उसके बाद आइन है जीम है बा है गीन है मीम है हा है और या है ये जो सारे लफ्ज हैं इनके पीछे जब अलिफ अलिफ लाम लगेगा तो हमने उसको सेपरेट करके पढ़ना है और इन इनके अलावा जितने अल्फाबेट्स जै, जैसे जा है या स्वाद है उसके अलावा जितने भी लफ्ज हैं इन इन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ही बनते हैं ये फोर्टीन कमरी हैं और बाकी फोर्टीन जो है वो शमसी हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिकली तजवीज का कायदा है ए, ये इस तरीके से अच्छा ये मैंने ऐराब के बारे में बात की थी अच्छा देखें इसके अंदर ना ऐराब के अंदर बेसिकली ये होता है कि ये जो अभी मैंने आपको हालत रफ़ा नसब और जर बता रहा था तो जो रफा हालत होती है ना वो जो काम अगर कोई कर रहा होता है ना अगर जो तो वो हालत रफा होती है ठीक है उसके बाद जो उसको हालत फाइली भी कहते हैं इसको तो वो हालत रफा में होता है उसके बाद जो मनसूब होता है जो अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आई होगा ना तो आई मरफू है अगर मी होगा तो वो नसब है और ज, जो मजरूर होता है कि वो उसकी उसके साथ कोई पोजेशन आ रही होती है तो माई यानी कि अगर मैं आई मैं सेम हूं तो अगर मैं आई लिखा हुआ है ना तो ये हालत रफा है मी यानी कि किसी ने मुझे किया है मुझे दिया है तो वो हालत नसब है और जो जर है ना वो उसकी उसके साथ कोई एसोसिएशन है या उसकी पोजेशन है, है या उसकी कोई मलकियत है आ, या उसकी उसके साथ उसकी कोई नस्बत है तो वो जर हालत जर में आएगा ये समझने में काफी टाइम लगता है लेकिन अभी आप एक जहन में रख लेंगे पहले इसको आप एक दफ़ा समझ रट्टा मार लेंगे एक हालत रफा होती है एक हालत नसब होती है और हालत जर होती है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अगर हामिद ने महमूद को मारा ठीक है तो हा, हामिद ने मारा है तो हा, हामिद ने काम किया है ना तो हामिद ये इसके लिए जो आ, एक तरीका तो मैंने आपको आ, आनी और आईनी बताया था ऊना और ईना बताया था और एक जो ज्यादातर में आता है ना वो जिसको हम पढ़ते हैं ना तुन तन और तिन यानी जो, 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 जा, कि हामिदन, हामिदिन तो ये तीन में जो हामिदुन है ये रफ़ा है जो हामिदन जो है वो नसब है और हामिदिन जो है वो जर है ठीक है तो जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हामिद ने मारा है महमूद को तो हामिदुन लिखेंगे और महमूदन लिखेंगे क्योंकि महमूद को मारा है ना तो वहां पर आपको जुमले में ये पता लग जाएगा कि ये, ये मैं लिख देता हूं बराबर किसने मारा मारा है किसने मारा है हामिदुन ने महमूदन ठीक है तो ये इससे हमें पता लग गया है कि हामिद ने मारा है ये अरबी में हम, हम, हमने लिखा हामिद ने ये ने का कोई लफ्ज नहीं आया अरबी में महमूद को मारा ठीक है तो ये जाराबा का मतलब मारा में आ गया ये को और ने का जो मानी है ना हामिद ने ये ने का मानी आ गया इससे और ये को का मानी आ गया इससे ये आहिस्ता आहसा मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा और जो जो पहले से बार बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं हम इनशा इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक्चुअली जहन में रखेंगे ये, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा ये एक दिन में नहीं पता चलेगा ये इट विल टेक ऑफ टाइम लेकिन अभी आप फॉर द टाइम बींग इसको समझ लेंगे ये हालत रफा है और ये हालत नसब है ठीक है और अगर ये महमूदिन होगा तो ये हालत जर होगा वो क्या होगा कि उस कोई उसके अंदर आ, आ, होगी कोई उसके साथ उसकी मलकियत का आएगा वो हालत जर होगी ठीक है ये देखिए वाला वलद का लफ्ज है तो वाला वला वाला, वाला बिनतुन बिनतन बिनतिन ठीक है तो ये जो वाहिद मुजक्कर और वाहिद मोहनस के जो है ना उसके अंदर ये तुन तन और तिन ये जो जो, जो सिंपल इनसे उसकी हालत रफा हालत नसब और हालत जर का पता चलेगा ठीक है इमरातन इमरा ये हालत रफा है ये हालत नसब है ये हालत जर है ठीक है अच्छा जो उसके बाद जो आएगी आपकी मुसन्ना तो राजू ये रजुल है मर्द को कहते हैं ठीक है तो रजुलानी ये हालत रफा है और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना तो ये राजनी और ये तरह देखें वाला दानी वाला वाला अब ये इन अभी आप कहेंगे कि ये दोनों का एक है तो ये जुमले की तरतीब आपको पता चलेगी कि ये हालत नसब है या हालत जर है लेकिन उनको लिखेंगे एक जैसे ठीक है ये ये अभी नेक्स्ट स्टेप की चीज है अभी फिलहाल आप इसको यहां तक हजम कर लें ठीक है मुस्लिमानी मुस्लिमी मुस्लिमी काफिरानी काफिर काफिर मोमिनानी मोमिनी मोमिनी ठीक है अच्छा उसके बाद अगला आगे है जमा का ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम की जमा सालिम जो है मुस्लिम है तो यहाँ पे ये ईना की साउंड आ जाएगी देखिए मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना खालिदूना खालिदीना खालिदीना ठीक है अच्छा उसके बाद ये जो मोनस है उसके लिए हमने कहा था आतन है तो ये दोनों की हालत में मुस्लिम 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 ठीक है ये आतन और आतन ये दो साउंड्स हैं जो जमा सालस के लिए जो मुकसर है ना उसके लिए सेम है जैसे वाहिद के लिए रिजालन 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 ये सेम है जस्ट लाइक मुज वाहिद के लिए ठीक है अच्छा आगे देखें इसकी आगे बहुत डिटे, आगे डिटेल्स में आते हैं क्योंकि अगर आप ये आमिर साहब का लेक्चर सुनेंगे इसके साथ मैं उन उन उस उन डिटेल्स की तरफ बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा क्योंकि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको उस लेवल तक एक्सप्लेन कर सकूँ लेकिन बेसिकली जब ये अलिफ लाम लगता है ना तो ये आ, ये राज जो है ना वो राजू बन जाता है अर रजुलू अर रजुला अर अर रजुली ठीक है ठीक है।, है, तो वो, वो है वो, वो तशदीद से मुशद से सिंगल में आ जाता है सिंगल हरकत में आ जाता है ठीक है तो इसके रेफरेंस से ना एक्चुअली आगे ये मौरब और मबनी इसमा है यहाँ तक पिछली दफा भी हम लोगों ने किया था और अब यहाँ से आगे मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है मैं मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को समझ आए क्योंकि अगर वो समझ आएगा तो उनके लिए आगे चलना आसान होगा क्योंकि ये अः कुछ कुछ देखें ग्रामर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बगैर आपको मतलब ही समझ नहीं आएगा लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी हैं वो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अगर आपको उसका <coughs> ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ये क्यों हो रहा है तो आपको अगर उसका नाम ना भी अगर आपको ये मोरब अबनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि वो उनकी हालत नहीं बदलेगी ये ये बेसिक सिंपल में में है कि कुछ में उनकी हालत बदलेगी और कुछ में हालत नहीं बदलेगी ये इतनी सी चीज है इसमें कि वो जब उनके ऊपर डबल पेश आएगा ना तो वो डबल पेश सिंगल पेश में नहीं जाएगा या अगर उनका वो पेश है ना तो वो जबर में जाएगा वो जेर में नहीं जाएगा ये इस हद तक है तो ये शायद ये अरबी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ लेकिन इसके बगैर भी गुजारा चल जाएगा ऑफकोर्स देखें एक्सीलेंस तो फिर एक्सीलेंस है एक्सीलेंस तो यही है कि आप इन सारी चीज़ों को समझे लेकिन ये देखें ना ये अगर इब्राहिम ऐल्फास के जो आ, एक, एक खास कैटेगरी में होंगे ना तो ये देखें इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिमा यानी कि इब्राहिम ही नहीं होगा ये जैनबू जैनबा जैनबा ये जैनबी नहीं होगा ठीक है और ये डबल जेर भी नहीं आ रहा इस पर डबल हरकत भी नहीं आ रही इस पर यह क्या है ज्यादातर जो है वो मोरबसमा है तकरीबन एट्टी फाइव परसेंट जो है ना वो तीनों अरबी हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं जो नहीं करते ना वो यहाँ पर भी सेपरेट होगा नहीं करने वाले तो ये वो है कि जो गैर मुनसरफ है ठीक है गैर मुनसरफ क्या है यहाँ पे देखिये उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि अरबी मोनस नाम मरदों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोल तालिफ नून हो फरिश्तों के नाम शहरों और मुल्कों के नाम गैर अरबी नाम चंद अबिया जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलम लूत हूद शुएब इनके अलावा तमाम अम्बिया के नाम यानी कि मोहम्मद उन मोहम्मद नू होगा लेकिन इनके अलावा जितने भी पैगंबर हैं ये ये एक दो तीन चार पांच छः के इन छह पैगंबरों के अलावा जितने नाम कुरान पाक में आएंगे ना वो गैर मुनसरफ है तो गैर मुनसरफ में वो आपको इब्राहिम कहीं नहीं लिखा नजर आएगा मोहम्मद उन लिखा हुआ नजर आएगा तो ये बेसिकली सिर्फ इस हद तक है इसका ये ये कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग इसकी तजवीद के अंदर है कुरान पाक की तिलावत के अंदर वो है कि आप ए, हो सकता है अगर आपको ये पता हो तो आप कभी भी इब्राहिमुल नहीं बोलेंगे जबकि अगर आपको ये बात नहीं पता तो हो सकता है आप इब्राहिम बोल दें ठीक है तो ये इस इस हद तक है इसकी तो ये आपको इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुरान पाक के हम मतलब की तरफ हम ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये तो इसकी तो इंतहा कोई है ही नहीं इसके समझने में बहुत है तो ये ये मेरे ख्याल से ये इस हद तक भी अगर आपको समझ आ जाता है ना तो ये आपका हो जाएगा प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे कि ये किताब को और आमिर सहेल साहब के लेक्चर्स को अपने साथ साथ रखें क्योंकि मैं आप लोगों को उसको अपने अंदाज में एक आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से गलती हो सकती है और मैं शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं आप और किसी को ना पढ़ें आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी पर अमल करें मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई मैसे गलती होती है तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और आप लोग प्लीज़ पॉइंट आउट ज़रूर कर दें ताकि जो है वो किसी का गलत पैगाम ना जाए ठीक है तो अब जैसे देखें ये आ, ऐ, ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर कोई लामत नहीं होती है मबनी इनको आसमा कहते हैं ये देखें हाजा 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 ही रहेगा ये हालत रफा में होगा तो भी ये हालत हाजा होगा जालिका है अलज़ी है ये सार सारे उसी में रहेंगे ठीक है तो जैसे अभी इससे आपको पता लगेगा कि जो गैर अरबी नाम है ना उनके अंदर नहीं बदलता आयशा जो है वो या ये इस कैटेगरी में आप देखेंगे ना तो ये गैर मुंसरिक कौन कौन से हैं अरबी मुन्नस के नाम मर्दों के ऐसे नाम जिनके एंड में गोल था या याफ या नून हो ठीक है फरिश्तों के नाम शहरों मुल्कों के नाम ठीक है तो ये इसकी है आगे शुरू हो जाएंगे मैंने एक दफा डिस्कस किए थे इनशाला नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से मरकबाद से हम शुरू करेंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आ, ये सारी जो मौजूद हैं इस चैनल पे आ, ये प्लेलिस्ट है आ, आ, इसकी इस्लामिक टीचिंग के नाम से ठीक है और इसके अंदर आपको ये पिछली जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ये मैंने दुआ की थी रब फरदा खैरबारिसन तो उसके अंदर भी है कि मुझे अकेला ना छोड़ना ठीक है, है, है। मुखलिफ चीजें दुआत को हम, मैंने किया था एक्सप्लेन ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है और कुछ प्रोनाउंस कुछ चीजें बहुत सारी चीजें रेपिटेशन कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं आते और तो मेरा पैगाम मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एक Uh, मैं कोई कोर्स नहीं करवा रहा कि मैं आपको एक पूरी डिटेल बताऊं मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूं और बाकी आप लोग अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये किताबें सारी मौजूद हैं अगर आप लोगों में से किसी को भी समझना आए तो प्लीज जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा क्योंकि मैंने ये कंपाइल कर दी है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी इसमें कुछ ट्रांसलेशन है असमसना है दुआएं मुख्तलिफ दुआओं की जो जो मसनून दुआएं हैं या तो नी दुआएं हैं उनको मैंने यहाँ पे डाला है ग्रामर की मुख्तलि किताबें हैं कुछ बेसिक बेसिक किताबें हैं और कुछ एडवांस लेवल की हैं इसमें तमाम सही सहा सिता की किताबें मैंने उर्दू में भी इंग्लिश में भी यहाँ पे डाली हैं है? ये एक नोबल कुरान है इंग्लिश में है ये बहुत अच्छा है कुरान पाक की मुख्तलि मुख, मुख, तफासिर मौलाना महदूदी की तफसीर है इसमें आ, भी मैंने किया है वो भी मैं इसमें अपलोड नहीं कर सका वो भी मौजूद है ठीक है उसके बाद जो ये ये जो है ना वोबलरी की कुछ फाइल्स हैं ये मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनमें से इसको देखने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इसमें से मिलेंगी जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ ये देखें ये सारी चीजें आपके लिए आ जाएंगी दिस डेट हाजा जालिका हाजी तिलका हाउलाई उलाई का अल्लजी अल्लती काजी हाजी ही तिलका अल्लती ये ठीक है कल मैंने ये भेजा था ये मैं अभी अभी मैं इसको पूरी तरह डिटेल से नहीं समझ सका हूँ कि मैं एक्सप्लेन के लेशन के लेवल पे आऊँ लेकिन ये मुख्तलिफ लफ्ज हैं जो कुरान पाक में नहीं के लिए लूज होते हैं ला भी आता है कल्लाबिर ठीक है ये फ्यूचर के लिए होता है लम जो है ठीक है तो ये जो जो लम का जो आता है वो पास्ट में अगर कोई चीज नहीं कहना है तो उसके लिए लम का मतलब आता है है ठीक सिंपल सिंपल सबसे कॉमनली जो नहीं के लिए यूज होता है वो मां है ठीक है उसके बाद लईसा और क्योंकि लईसा जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था इसको मैंने कल समझने की कोशिश की थी लईसा को ग्रामेटिकली काफी चेंज भी आ जाती है जब इसको जुमले में डालते हैं तो कई दफा ये लईसा आपको लईसत के मायू में आएगा कहीं पे लस्ता के मायू में लस्ता लसता ठीक है तो कई दफा वो उसकी जुमला चेंज हो जाएगा तो वो रूट वर्ड उसके अंदर ये लईसा ही होगा लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आएगा ठीक है तो ये आप इसमें से देखते रहे चीजें ठीक है ये वो हैं जो जमायर थे देखें हु हुआ अंता अंतुमा अना नहनु हिया हिया हुमा अंतुम अंतुमा ठीक है तो ये कुछ जमायर हैं ये हालत रफा के जमा हैं इन्हीं को ही जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हालत नसब और जर में आ जाते हैं तो वो ये है देखें यहाँ पे ये हु है और यहाँ पे हुज है तो ये मैंने आपको बताया ना कि नसब हालत में चेंज हो जाता है ये हुआ जो है ये हु बन जाता है हम दोनों के लिए सेम है क्योंकि लेकिन वहां पर ये सेपरेट आता है और यहाँ पे एंड पे ये जोड़ के आता है ठीक है तो रजक ना हम रजक ना हम युन के अंदर आप देखें सूर्य बकरा की पहली दूसरी तीसरी आयत के अंदर ये आपको कहा ना अंता यू है और का जो है वो फॉर यूर है ठीक है जी, जी, सबसे ज्यादा ये का आ रहा होता है नाबुदूआया का, ना का नस्त और आगे जितनी हमने दुआएं पढ़ी हैं सुबह नकल्ला हम दिखा

जो है वो रफा की हालत में है और नसब की है क्या अगर मैं कि उसका रब अगर मैं किसी फीमेल के लिए कहना चाहूँ तो रबू हा मैं बोलूँगा रबू हा ठीक है रबू हा तो ये उसका होगा मैं उस अगर ये हा लिखा होगा ना रबु हू अगर लिखा होगा ना ये वाला होगा तो हो गया हिज रब ये ठीक है और रब के लफ्ज को ही मैं शामिल करूँ तो रबू हु में बोलूंगा ना तो हिज रब रबू हा फीमेल का हर रब ये ये देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है रबू हा उस लड़की का रब रबू उस बंदे का रब ठीक है रबू का तेरा रब रबू की फीमेल के लिए रबू कुमा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन हाँ ये लिखा हुआ ये दो के लिए होगा रबु कुमा ठीक है और दो से ज्यादा के लिए ये कुम का लफ्ज यहाँ पे शायद लिखा होगा हो ये रबु कुम तुम सबका रब रबू उसका रब रब हु देर गॉड उन सबका उन सबका खुदा रब्बू का तुम्हारा अगर मैं मेल को मुखातिबू रब्बू की फीमेल के लिए जिस तरह जो हम बोलते हैं ना अल्लाह अगर हम किसी फीमेल को बोलेंगे ना तो जजाकिला होगा जजाक अल्लाह नहीं होगा अगर मैं अगर कोई मेरे सामने औरत है मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा जजाकिला अगर वहां पे दो लोग हैं तो उसके लिए इस तरह कुमा का लफ्ज यूज होगा ठीक है तो इस तरीके से है अब इनशाला करके हम चलते रहेंगे ये कॉमन लव्ज हैं ये आप देखें कबल पहले होता है बाद बाद में होता है तो ये ठीक है जी तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ने का इनशाला जिंदगी बखैर दोबारा करेंगे अगले जुमे को इस दफा मेरी जुमे को मेरी ऑन कॉल थी तो इस वजह से मैं कल नहीं क्लास ले सका आई वॉज जस्ट प्री ऑक्यूपाइड तो इनशाला अगले जुमे को हम दोबारा यहीं से